हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। देखो, कच्ची मिट्टी यानी हाँ, ये कच्ची मिट्टी की दीवार है। देखो कुछ इस तरीके से, मिट्टी प्योर मिट्टी होगी, प्योर मिट्टी और पत्थर होंगे शायद उसकी दीवार है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, इसमें ना इस तरीके से अगर ये चटकी हुई है ना, ये चटकी हुई है तो इसको भरने के लिए गोबर और मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है तो इससे भर जाती है तो ठीक रहता है। कुछ इस तरीके से है कच्ची मिट्टी की दीवार, देखिए। हालांकि यह हमारे घर की नहीं है, ये दूसरे घर की है। और प्रवचन चल रहे हैं है ना, पापा प्रवचन देख रहे हैं। आज बहुत खुश हूँ मैं इसलिए क्योंकि पापा मेरे ठीक हो गए हैं। 4-5 दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं कुछ छूट भी नहीं कर रही थी और मेरा मन नहीं लग रहा था। सुबह सुबह जब मैं 4 बजे नहाई, आज मेरा एग्ज़ाम था तो मैं जब नहाई तो मैंने बोला भगवान जी मेरे पापा को ठीक कर दो, और वो ठीक हो गए एकदम से, चमत्कार हुआ। बस कान्हा जी की कृपा, शिव जी की कृपा, मेरे पापा ठीक हो गए। यहाँ पर ये भगवान जी हैं जो कि मैं बचपन से देखते आ रही हूँ ये भगवान जी को। और ये खड़ी हुई है हमारे पापा की गाड़ी स्कूटी जो कि मुझसे बनती ही नहीं है। कल पापा के लिए जूस लेने जाना था, कोई था नहीं। मैंने कहा मुझसे बनती होती तो मैं जूस लेकर आ जाती। सारे लोग घर के अंदर है, मैं घर के बाहर घूम रही हूँ। यह है मीटर कुछ इस तरीके से है ना। वो जास्मिन का पेड़ लगा है, फूल दिख रहा है ना। तो मैं अभी 1 घंटे सो ली हूँ, उठ के खाना खाया मैंने, चटनी और पूड़ी और दाल चावल भी खाए थे, अचार सलाद तो खाया था मैंने। और अब मैं ठीक हूँ। मैंने बोला क्यों ना, मैं जैसे कि आप लोग अभी ना ब्लॉगिंग करना यानी कि मेरे बस की बात नहीं हो रही, अभी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। जो भी होगा मैं शेयर करूँगी बट मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, इसलिए क्योंकि नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। ज़्यादातर मैं हमेशा एक जगह बैठी रहती हूँ तो वहाँ पर क्या बोलूँ, इसलिए मैं टहल टहल के आज आप लोगों से बातें ही कर रही हूँ। ये देखो इस तरीके से ऐसी गली गई हुई है, हम लोग यहीं से आना जाना करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, भगवान जी के प्रवचन से याद आया, पंडित जी कह रहे थे कि ये कबाड़ खाना है यहाँ पर, पंडित जी नहीं कह रहे थे, मैंने अभी बताया है। तो पंडित जी बता रहे थे कि अभी कुछ घरों में ऐसा चल रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और सच में ऐसा हो रहा है कि माँ बाप को दुखी करके, माँ बाप की इज्जत ना करना, जिन माँ बाप ने उनको पाला पोसा है उनकी इज्जत ना करके है ना, उनके यानी कि जीने का कुछ सार ही नहीं है। जिन माँ बाप ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया है, शिक्षा दी है, हर चीज़ किया है और उनकी हम कदर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप जो रहते हैं वो अगर बच्चे हैं उनके तो माँ बाप को एक आस लगी रहती है कि बच्चे बड़े हो करके ये बनेंगे वो बनेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारी सेवा भी करेंगे, ऐसा कुछ माँ बाप सोचते हैं। पर उनकी सोच से परे हो रहा है आजकल, क्योंकि ना ऐसे ही देखो जैसे लड़के हैं यही काम कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ऐसे ही बहू का भी बताऊंगी मैं कि बहुएं भी आजकल कोई कम नहीं है। मैं भी किसी के घर की बहू हूँ पर मेरी स्टोरी कुछ अलग ही है ना, मेरे से तो रिश्ता ही नहीं रखते तो मैं क्या सेवा करूँगी। और जब रिश्ता था तो मैंने सेवा भी की है बाकायदा, तब तक कोई भी शिकायत नहीं थी, तब भी मैं ब्लॉगिंग करती थी। जब मेरे सब साथ थे तब भी मेरी कोई शिकायत नहीं थी, जो भी ब्लॉग में आते थे तो मैं उनको बाकायदा ब्लॉग में लेकर आती थी, और जो करती थी तो वो भी मैं बताती थी। तो आज भी मैं कहूँगी बहुएँ भी कोई कम नहीं है। बोलते हैं ना कि यानी कि पति को अपने
यानी कि उनके बेटे को, जो उनके माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, शादी होने के बाद बहू अच्छे से लेकर आते हैं कि बहू चलो घर को चलाएगी, पर बहू घर को तोड़ देती है। तोड़ कैसा देती है? पंडित जी ने कहा था कि माँ बाप को दुखी करके बड़े अपन पिक्चर लेते हैं, रील बनाते हैं, है ना, दुखी करके उनको, है ना, और तीर्थ धाम करते हैं। तो बोलते हैं अगर घर में माँ बाप की सेवा कर ली, उनका यानी कि अच्छे से रिस्पेक्ट कर लिया, वही अपना तीर्थ धाम है, उनको खुश रखो वही तीर्थ धाम है, उनको दुख पहुँचा करके हम तीर्थ धाम करें ये बिल्कुल भी फल नहीं मिलता है इस चीज़ से। माँ बाप को दुखी करके, चाहे वो पति के माँ बाप हो और चाहे खुद के माँ बाप हो, उनको दुखी करके अगर अपन तीर्थ करेंगे, जगह जगह मंदिर जाएंगे, तो इसका फल तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ससुर जी भूखे बैठे हैं, है ना, और सास भूखी बैठी है, तो या फिर सास ससुर दोनों बीमार पड़े हुए हैं और बहू और बेटा मंदिर जा जा के घंटियाँ बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये सब दिखावा है, ना कि उनकी अंतरात्मा की पूजा पाठ है, ये सब दिखावा है। अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को दुखी करके और लालच के लिए उनसे रिश्ता रखना, ये सब दिखावा है, और ऐसी पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो यही पंडित जी बता रहे थे कि माँ बाप को दुखी करके जो लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ धाम जाते हैं, वो तीर्थ धाम नहीं रहता, वो उनका घूमना होता है। एक लोक अपवाद आप लोग जानते ही होंगे, उनको लोगों का एक क्या बोलते हैं, तारीफ सुनने की एक लालसा रहती है कि हम इधर जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे तुम वहाँ पर घूम के आ गई, वाह बहुत बढ़िया, हम तो गए ही नहीं। तो ऐसी कुछ लालसा रहती कई लोगों को घूमने की, और मैंने कहीं सुना है, ये सुना है, इसलिए मैं कभी ऐसी बातें नहीं रखती हूँ, मैंने सुना है इसलिए मैं रख रही हूँ आप लोगों के सामने, कि माँ बाप को दुखी करके, और मैंने देखा भी है, माँ बाप को दुखी करके तीर्थ धाम जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और लोगों के सामने बता रहे हैं हमारे घर में सब सही है, पर बहुत कुछ दिखता है, ये तो गलत बात है। और ऐसे हम तो यही कहेंगे कि जो भी माँ बाप की रिस्पेक्ट करना चाहिए, मेरे मम्मी पापा, मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, मम्मी पापा का, भाई बहन का छोड़ो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, बट मैं अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अपने चाहे पति के माँ बाप हो, चाहे यानी कि अपने खुद के माँ बाप हों, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा में ही सब कुछ है। उनको दुखी कभी मत करो, उनको वो खुश करके हम तीर्थ धाम करें तो वो बढ़िया, उसका फल भी मिलता है, पर उनको दुखी करके तीर्थ धाम करो वो नहीं। मैं भी शुक्ला जी से यही कहती थी, शुक्ला जी कहते थे, मैं एक बार शिरडी गई थी और फैमिली के साथ ही गई थी, तो मैं हमेशा शुक्ला जी बोलते थे कि अपन यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, हमने बोला नहीं, बिना माँ बाप के नहीं, अभी माँ बाप हैं उनको तीर्थ धाम कर लेने दो, घूम लेने दो, मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाना उनको, उनको घूम लेने दो, अपन अपने टाइम पर घूम लेंगे, पर अभी नहीं, उनको घूमने दो, उनको दुखी करके अपन क्या घूमें, है ना। तो चाहे कोई भी हो, माँ बाप को दुखी नहीं करनी चाहिए, मैं तो शुक्ला जी से भी यही कहती थी, पता नहीं मैं क्या बोल गई आज तो आज भी मेरा एग्ज़ाम था और वही जागी हुई हूँ, बहुत टेंशन है दिमाग में, पर मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या शुरुआत करूँ, कितनी देर से टहल रही हूँ यहाँ पर, बहुत देर से टहल रही हूँ। आप लोग बोलोगे श्रेया नहीं दिख रही है, शुभिका नहीं दिख रही थी, सारे लोग अंदर हैं इसलिए नहीं दिख रहे हैं, और ये ताज़ा ताज़ा ब्लॉग अभी जाएगा, और ये कितने छोटा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।